तो कहने का मतलब है कि कुछ देर के लिए आप इन्वॉल्व हो जाओ किसी भी ऐसे काम में या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ में जो आपको पसंद है, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ प्लेजेंट सेंसेशंस, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ प्लेजर्स. बट ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है और इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं, इसको अच्छे से समझ लेना. क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है. तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में. इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो. कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर. कि यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है. तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वो हो रहा होगा, या बिल्कुल वैसे ही होते हैं? इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर एक्चुअल में भी आप किसी नदी में गिर जाओगे और कोई मगरमच्छ आपको खाने के लिए आएगा, तब भी वैसे ही रिएक्शंस हो रहे होंगे. तब भी डर लग रहा होगा, तब भी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तब भी पसीने आ जाएंगे. सपने में कई बार ऐसा होता है, सपने में से एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती है. तो अगर कुछ ऐसा है जो रियलिटी नहीं है और आपने मान लिया है और उसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा? ब्रेन अपना काम करती रहेगी. तो अब आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो बड़ा सिंपल है, परमानेंट सॉल्यूशन. जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये सच है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है. जो लग रहा है वो सपना है और जो एक्चुअल में है वो सच है. जैसे सपने में अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो उस गड़बड़ से बचने का क्या तरीका है? जाग जाओ. जागने का मतलब क्या? जागना हम किसे कहते हैं? हाँ, मतलब ये समझ लो कि जो भी अंदर था, मैं रो रहा था, रो रही थी, पसीने आ रहे थे, सब सपना था, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाते हैं? बस इतनी सी देर लगती है माइंड को रिलैक्स करने में, माइंड को पीसफुल करने में. और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, खुद करना होगा.